और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी मां, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पर। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब पारा चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी ना समझी थी। कैसी नासमझी तुम्हारी देव, कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, नासमझी, और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा। बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेके आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस, 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 इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठाकुरायन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर ताक जो है। जान की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी ताक लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है।